कितना साल का लड़का था ये? 14 साल। मात्र 14 साल, 14-15 साल का। 5 से 6 घंटा हो गया और उसी प्रकार इस सड़क पे सौ को रख के और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। घाव लागल बा तो दोबारा लिया के चढ़ा के मंगवाइल हम। पूरा रोड पे देख सकते हैं लाठी डंडे के साथ और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पूरा लागजनी भी किया गया है यहाँ पे। ठीक है, उजोना थाना जी जी, थामे थाना जी, अभी आया था मीरगंज थाना। कोई थाना रुका नहीं? नहीं रुका, भाग गया। क्यों भाग गया? हम बोल रहे हैं क्यों भाग गया दोस्तों। अभी हम इटवा पुल पे हैं जो उचका गांव के पास पड़ता है और यहाँ पे उचका गांव थाना के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक 15 वर्षीय लड़का का एक्सीडेंट होने से उसकी मृत्यु हो गई है और उचका गांव रोड में यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं और चारों तरफ यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आगजनी करके और गाड़ी को रोका जा रहा है और सड़क को अभी तक पुलिस प्रशासन नहीं आई थी, इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं कितना नाराज है लोग और गुस्सा में है और यहाँ पे बॉडी सौ रखा गया है रोड पे और रोड पे रख के लोग इसको लेके और विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे दिखा सकते हैं हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है और 6 बजे का ये घटना है। अभी 11 बज रहा है, अभी पुलिस प्रशासन आई है और जांच पड़ताल कर रही है। आइए कुछ लोग हैं इनसे जानने का प्रयास करते हैं। चाचा कब के घटना भइल बा? 7 बजे के बीच। कब के घटना भइल बा? 7 बजे के। अच्छा, लड़का कहाँ कर रहे हैं जेकर एक्सीडेंट भइल बा उनको? नारायणपुर। नारायणपुर कर रहे हैं। का नाम रहा है? हम नाम हमारा मालूम है। हाँ, विवेक। विवेक नाम रहा है। पिता का क्या नाम रहा है? नारद शाह। नारद शाह, लड़का नारायणपुर कर रहा है? हाँ, नारायणपुर का। अच्छा, कावना थाना के अंतर्गत आवे लगी थावे थावे। अच्छा, कहाँ है ये विरोध? कहाँ है कावना बात के लेके विरोध? यहाँ विरोध भाई बा पुलिस के चलते है। पुलिस के चलते है? हाँ। का दिक्कत का बा? दिक्कत यह बा कि पुलिस आइले है और उल्टा सीधा लिखा तेरे कानून। अच्छा, पुलिस आ रहा है देख कर चला जा रहा है। अच्छा। और कोई लास्ट में आ रहा है, कोई हटा रहा है। अच्छा। कोई खा लिया हटाएगा, इनको भी बाल बच्चा के साथ हो जाए तो क्या करेंगे? अच्छा, कितना भाई थे जो एक्सीडेंट हुआ वो कितना भाई तो ये नहीं बता सके, शायद दो थे। दो भाई? हाँ, दो थे। पिताजी क्या करते थे? राजमिस्त्री का। आपसे बता दें कि 15 वर्षीय लड़का का एक्सीडेंट हुआ है, जो अभी दो भाई है और पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं और प्रशासन को लेकर कहीं ना कहीं लोग का शिकवा गिला है कि प्रशासन आ रही है और चली जा रही है और काम नहीं कर रही है जो कि उन लोगों को करना चाहिए, है ना चाचा? जी क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन को आना चाहिए, प्रशासन तत्पर होना चाहिए, देखना चाहिए। इसके बाद हम पूरा रोड पे देख सकते हैं लाठी डंडे के साथ और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पूरा लागजनी भी किया गया है, यहाँ पे आग जला गया है, वहाँ पे सौ रखा गया है और पुलिस प्रशासन आके और जांच पड़ताल कर रही है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो कि जिस लड़के की मृत्यु हुई है उसके घर वालों की रो रो के बुरा हाल हो गया है और ये लोग अभी काफी दुखी है और नाराज है किस बात को लेकर, अभी देख सकते हैं। सुबह 6 बजे की घटना हुई है और 6 बजे से ये लोग रो रहे हैं। पूरा गाँव के लोग दुख के माहौल में डूबे हुए हैं। यहाँ पे ये कौन है? यहाँ पे लड़के की मम्मी है। का कहे चाहते नहीं पुलिस प्रशासन के? का कहे चाहते के मुआई दे ना, कैसे ही घटना भइल? विचार के दोबारा कंचारल हालो, जबरदस्ती दोबारा को चल रहा है। ये खाली नु लड़का जतला सन त गिर गला सन, धाका लागल त लगे क्या के चोट उट लागल त ठीक बा। अच्छा, आ तब दोबारा जन फोटो खींच लन देखावे खातिर कि घाव लागल बा त दोबारा लिया के चढ़ा के मुंगैल हम। आज दोस्तों आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है और आज ही के दिन इस बच्चे को 2 बार टेम्पू चढ़ा के और उसकी कुचल कर हत्या कर दी गई है। यहाँ पे सामने दिखा सकते हैं सभी लोग रो रो के घर वालों को काफी बुरा हाल है और कहीं ना कहीं पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है और पूरे परिवार में दुख का माहौल है और साथ में यहाँ पे गांव के लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और विरोध करके हैं कि अभी तक पुलिस प्रशासन नहीं आई थी और आ भी रही है तो इन लोग की बातें नहीं सुनी जा रही है। जो लोग चाहते हैं वो बातें नहीं सुनी जा रही है। बता दे कि नारायणपुर का लड़का है और ये घटना महिचा में हुआ है और ये इटवा धाम के करीब में, यहाँ पे देख सकते हैं चारों बगल दिखाने का प्रयास करेंगे, ये इटवा धाम के पास पड़ता है और चारों तरफ रोड जाम करके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन आके अपनी जांच कर रही है। कहीं ना कहीं लोग नाराज है पुलिस प्रशासन। सौ यहाँ पे सड़क पर रखा गया है जो कि अभी भी पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 से 6 घंटा हो गया और उसी प्रकार इस सड़क पे सौ को रख के और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लंबी कतार में यहाँ पे गाड़ी को दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं ये मीरगंज से होते हुए और गोपालगंज वाला सड़क है और गोपालगंज वाले सड़क में यहाँ पे सैकड़ों और हजारों गाड़ियाँ खड़ी है और लोग विरोध कर रहे हैं पुलिस, क्योंकि इनकी बातें नहीं सुन रही है। 4 घंटा से जाम है। कितना देर से जाम है? 4 घंटा। 4 घंटा से
यहाँ पे अभी 100 रखा गया है, लोग 4-5 घंटा से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे 100 को दिखाने का प्रयास करेंगे। कितना साल का लड़का था ये? 14 साल का था। अच्छा, कब का एक्सीडेंट हुआ है? सुबह सात बजे का जी। अभी 11 बज रहे हैं, क्या बात है, 11 बजे तक आप लोग क्यों रोड पे रखे हैं? जैसे मतलब कि सब रिपोर्ट मतलब प्रशासन नहीं बना रही है। अच्छा, अब रिपोर्ट बना भी रही है तो मतलब उल्टा से, मतलब सब गलत से रिपोर्ट बना रही है। अच्छा, लेके गलत बनाओ तो पैसा लेके। अच्छा अच्छा, क्षेत्र को थाना आ जाएगा दारू पकड़ने के लिए, गली गली में पूरा गाँव छापा मार दे गाली में। देखिए प्रशासन है आप लोग की सुरक्षा। बात भाईल सुबेरे 6 बजे देखिए सर, प्रशासन लोग पर हम पे विश्वास नहीं है। सबसे अच्छा रहेगा डीएम सर, एसपी सर, सदस्य सीपीओ सर आएंगे लोग, जैसे रिपोर्ट बनाएंगे लोग वैसे लोग हम लोग मान जाएंगे। प्रशासन का क्या मांग है सर? मांग क्या है? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। टेम्पो वाला का पकड़िए, जो उस पे कार्रवाई होना है वो उस पे कीजिए। अच्छा, टेम्पो वाला जो एक्सीडेंट किया है वो फरार है? वो फरार है। अच्छा, कहाँ का है जो एक्सीडेंट? माहिचे गांव का है। अच्छा, सब कुछ उसका पता है लेकिन फिर भी प्रशासन उसके द्वार पर ना जा रहे। ठीक है, उजोना थाना जी जी, थामे थाना जी, अभी आया था मीरगंज थाना। कोई थाना रुका नहीं? नहीं रुका, भाग गया। क्यों भाग गया? हम बोल रहे हैं क्यों भाग गया? अच्छा, क्यों भाग गया? थाना 3 थाना आया, रिपोर्ट नहीं लिखा, भाग गया। क्यों भागा? अच्छा, क्यों भाग गया? अभी क्या मांगे आपके सरकार से? हमारा मांग नहीं, ये गरीब का लड़का है, ये जो लड़का है वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, और ये दो भाई है और एक पिता है जो कि किसान का काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, और इन लोगों को न्याय चाहिए और जो भी मुआवजा है वो सरकार से मिलनी चाहिए। इसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, रोड प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने बना लो, रुक रखा हुआ है।